में सबसे पहले हम देख रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है K2Cr2O7 एंड द कलर इज ऑरेंज रेड. K2Cr2O7 ब्रेक होगा तो इट इज आयनिक कंपाउंड. तो ये हमें देगा K प्लस आयन अलोंग विद Cr2O7-2. इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन. दिस इज डाइक्रोमेट आयन. इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, CrOCr डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ. अब इसमें क्या होगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो ये इधर आ सकते हैं, तो यहां पे डीलोकलाइजेशन हो सकता है पाई इलेक्ट्रॉन का. इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल होगा. और जब रेजोनेंस पॉसिबल होगा तो हमसे पूछा जा सकता है कितनी CrO लेंथ इक्वल होगी. तो ये तीनों इक्वल हो जाएगी, इधर ये तीनों इक्वल हो जाएगी. तो ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है कि हाउ मेनी CrO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल. तो बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस 6 CrO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन डाइक्रोमेट. बनाने का मेथड है क्रोमाइटोर. क्रोमाइटोर बोलते हैं अपन Fe(O)Cr2O3. इसको सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग करवाया जाता है. रोस्टिंग मीन्स हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर. रोस्टिंग करवाई जाएगी तो पहले बनाता है ये Na2CrO4 जो कि येलो कलर का है. Na2CrO4 की एसिड से रिएक्शन करा दे तो क्रोमेट आयन कन्वर्ट्स इनटू डाइक्रोमेट आयन. मतलब ये क्या हो रहा है कि Cr4-2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कन्वर्ट्स इनटू डाइक्रोमेट आयन. और Na इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये सोडियम डाइक्रोमेट बन गया. मैं इसकी रिएक्शन KCl से करा दूं तो K+ विल रिप्लेस Na+ और फाइनली मुझे मिल जाएगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट. अब हम यहां पे ये एक पॉइंट लिखते हैं कि वाई Na2Cr2O7 इज नॉट यूज्ड इन टाइट्रेशन. K2Cr2O7 का मेन यूज आता है टाइट्रेशन में. तो टाइट्रेशन कहां कराते थे हम, रिडोक्स में. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा. तो टाइट्रेशन में हम डायरेक्ट इसका यूज नहीं करते हैं और उसका रीजन ये है कि इट इज हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक होने से क्या होगा, इट कैन एब्जॉर्ब सम मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर. तो जैसे मान लो मैंने 10 ग्राम लिया है ये कंपाउंड, लेकिन हो सकता है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो 11 ग्राम अपीयर हो रहा हो, तो कैलकुलेशन में एरर आएगी. क्योंकि वास्तव में तो हम वेट क्या ले रहे हैं, वेट कैसे मोल कैसे डिसाइड करते हैं, वेट अपॉन मोलर मास. मान लो मैंने 15 ग्राम से कैलकुलेशन किया, लेकिन हो सकता है ना 5 ग्राम उसमें वाटर जुड़ा हुआ हो. तो सिंस इट इज हाइग्रोस्कोपिक इट कैन नॉट बी यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन. तो हम Na2Cr2O7 को किसमें बदल लेते हैं, K2Cr2O7 फॉर द एग्जैक्ट वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन. अब देखिए डाइक्रोमेट जो आयन है हमारे पास, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +6. इसी तरीके से क्रोमेट आयन में भी +6 ही है, ठीक है. इन दोनों आयन में अगर मैं यहां से देखूं तो दिस आयन इज येलो इन कलर, जबकि ये वाला सॉल्यूशन जो है ऑरेंज रेड होगा, ठीक है. दिस इज ऑरेंज रेड कंपाउंड. तो अब क्या होता है, इन दोनों आयन के बीच में आपस में एक इक्विलिब्रियम होता है. यानी अगर मैं बेसिक मीडियम लूंगा तो डाइक्रोमेट रिएक्ट विद OH-2 फॉर्म क्रोमेट आयन, और अगर मैं एसिडिक मीडियम लूंगा तो क्रोमेट आयन गेट्स H+ आयन्स एंड इट विल कन्वर्ट इनटू डाइक्रोमेट आयन. इसका मतलब एसिडिक मीडियम में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, डाइक्रोमेट, और बेसिक मीडियम में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला. तो ऐसा होता है कि जब हम टाइट्रेशन करवाते हैं तो टाइट्रेशन में हम कौन सा मीडियम लेते हैं, एसिडिक मीडियम, और तब डाइक्रोमेट कन्वर्ट्स इनटू Cr+3. अगर मान लो मैंने बेसिक मीडियम लिया होता तो क्या होता, OH- इसे रिएक्ट करके इन आयन्स को किसमें कन्वर्ट करने लग जाते, डाइक्रोमेट आयन, सॉरी क्रोमेट आयन. तो एसिडिक मीडियम इसीलिए लिया जाता है सो दैट क्रोमेट आयन्स आर नॉट फॉर्म्ड. तो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट कन्वर्ट्स इनटू Cr+3. तो दो एटम में चेंज +6 से +3 में गया है, चेंज एक एटम के लिए 3 का और दो एटम के लिए 2 का, तो टोटल चेंज कितना हो गया, 6. इसका मतलब इट इज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बहुत पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7. और इक्विवेलेंट मास इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन 6 यहां से आया वैलेंसी फैक्टर, ठीक. अगर हम H2SO4 कोल्ड से रिएक्शन कराएं
तो ये बनाता है क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 रेड कलर का, और अगर हम होल्ड से कंडीशन कराएं रिएक्शन तो ये Cr2SO4O3 और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। तो कोल्ड के साथ CrO3, होल्ड के साथ Cr2SO4O3। सिंस K2Cr2O7 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये ऑक्सीडेशन करा सकता है इन सब का। अब रिडॉक्स हमें याद करनी होती है वैसे, ठीक है, तो I- goes into I2, Cl- into Cl2, आयरन +2 से +3, H2S से सल्फर, SO2 से SO4-2, यानी +4 से कहां चला गया, +6 में, हाईएस्ट है +6, आयरन +2 से +3 में चला गया, हाईएस्ट है +3। कुछ एक में आइडिया लगा सकता हूं मैं, सब में नहीं लगा सकता। यहां पे इसमें देखो तो ये +2 से कहां चला गया, +6 हाईएस्ट में, यहां +3 से कहां चला गया, हाईएस्ट में, नाइट्रोजन का +5 हाईएस्ट, टिन वाली कार्बन वाली फैमिली का है तो +2 से कहां चला गया, +4 में हाईएस्ट। इधर आ जाते हैं ऑर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का है तो +3 से कहां चला गया, +5 में हाईएस्ट। कार्बन यहां +3 से 8-6 +3 से कहां चला गया, +4 में हाईएस्ट। एसिटिक एसिड को इथेनॉल को चेंज कर देता है एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड को चेंज कर देता है एसिटिक एसिड में, ठीक। और इसका जो टेस्टिंग होता है वो टेस्टिंग होता है रिएक्शन विद H2O2। अगर K2Cr2O7 की एसिडिक मीडियम में H2O2 से रिएक्शन करवा दी जाए तो यहां बनने लग जाता है ब्लू कलर का CrO5 आयन। CrO5 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज क्रोमियम डाइपरऑक्साइड या फिर क्रोमिक परऑक्साइड या परक्रोमिक, और इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक ना। इसमें ये वाला लिंकेज परऑक्साइड लिंकेज है, ये -1 -1 -1 -1 और ये -2, तो क्रोमियम कौन सी स्टेट में होगा, इसकी हाईएस्ट स्टेट +6, ठीक है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्रोमियम ये ऑक्सीजन और परोक्सी लिंकेज को O2-2 करके दिखा दिया, तो ये O2 ये O2, तो दो O2 और एक सिंगल O, तो लिखने का तरीका ये भी है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग हो जाएगी इसके लिए K2Cr2O7 के लिए, ब्लू कलर का एक कंपाउंड बन गया। नोट करो बताओ, एक टेस्ट हम क्वालिटेटिव में पढ़ते हैं, टेस्ट फॉर Cl- आयंस, ठीक। और Cl- का जो टेस्ट किया जाता है, दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कैसे करवाते हैं, K2Cr2O7 की रिएक्शन Cl- आयन के साथ जब करवाते हैं, ठीक है, तो ये रेडिश ब्राउन वेपर बनाती है CrO2Cl2। इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, और इसके कलर की वजह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं Cl- आयन। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इज फॉर Cl- फॉर्मिंग क्रोमिल क्लोराइड कंपाउंड विच इज कलर्ड इन रेडिश ब्राउन कलर इज देयर।